हेलो दोस्तों, मेरा नाम अथर्व। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑल न्यू हुंडई वर्ना के बारे में। ये जो मॉडल आप खड़ा देख रहे हैं, ये वर्ना का 2021 का SX सेकेंड टॉप मॉडल। ये आपको मिलता है पेट्रोल इंजन के साथ, डीजल इंजन के साथ, और आपको एक टर्बो पेट्रोल का भी वेरिएंट मिलता है। ये पर्टिकुलर वेरिएंट इसका सेकेंड टॉप मॉडल SX IVT, जिसे आप CVT भी कह सकते हैं। तो चेक करते हैं, आज मैं इसकी बताऊंगा आपको क्या क्या आपको फीचर्स मिलते हैं और क्या ऑफर करती है अपनी सेगमेंट में। ये कम्पीट करती है मारुति सियाज और होंडा सिटी से। और तो की आपको ऐसी कुछ की मिलती है, दो स्मार्ट कीज मिलती है, काफ़ी प्रीमियम आपको मिलती है। यहाँ पे आपको मिल जाएगा इसका ह्यूंडई का लोगो। पीछे आप देखते हैं तो ये सेकेंड टॉप मॉडल में आपको लॉक अनलॉक और टेलगेट ओपन करने का बटन मिलता है। अपनी सेगमेंट की काफ़ी फीचर लोडेड कार है ये। तो हेडलैम्प से स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे हमको मिलते हैं प्रोजेक्टर बेस्ड की हैलोजन्स, और यहाँ पे इसके DRLs जो काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। बीच में आपको मिलते हैं इसके कॉर्नरिंग फंक्शन वाले हेडलैम्प्स, आगे उसके हैं इंडिकेटर्स। नीचे अगर चेक करते हैं तो यहाँ पे भी आपको मिलते हैं हैलोजन बेस्ड फॉग लैम्प्स। अगर बात करते हैं इसकी ग्रिल की, तो ये ग्रिल आपको 2020 फेसलिफ्ट की मिलती है, जो काफ़ी क्रोम स्टडेड ग्रिल है और प्रीमियम भी लगती है। अगर बात करते हैं टर्बो पेट्रोल वेरिएंट्स की, तो वहाँ पे आपको मिलती है ग्लॉस ब्लैक की। नीचे आपको स्किड प्लेट भी क्रोम फिनिश के साथ दी जाती है। अगर बात करते हो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की, तो इसमें आपको मिलता है CVT ट्रांसमिशन, और उसी की बैजिंग आपको यहाँ पे दी गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे है इसका ऑटो का बैजिंग। अगर बात करता हूँ डीजल की, तो डीजल में भी आपको इसमें ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन दिया गया है। व्हील्स की अगर बात करते हैं, तो यहाँ पे हमें मिलते हैं 16 इंच के एलॉय व्हील्स, कोई डायमंड कट नहीं मिलते, ये आपको मिलते हैं ग्रे फिनिश में। और प्रोफाइल की अगर बात करते हैं, तो ये है 195/55R16 के 16 इंचेस आपको व्हील मिलते हैं। यहाँ पे आपको मिलते हैं ORVM पे ही इंडिकेटर्स, LED इंडिकेटर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ये मिरर्स आपके लॉक और अनलॉक करने से फोल्ड अनफोल्ड नहीं होते। ऊपर आपको सेकेंड टॉप मॉडल में भी इलेक्ट्रिक सनरूफ मिलती है। और पीछे अगर बात करते हैं, तो उधर आपको मिल जाएगा इसका शार्क फिन एंटेना। तो और ये कुछ है इसकी साइड प्रोफाइल। 4.4 मीटर्स की आपको लेंथ मिलती है, काफ़ी बड़ी और बल्की कार लगती है इससे। और क्रोम डोर हैंडल्स आपको ऑफर किए गए हैं, उस पर आपको मिलता है इसका रिक्वेस्ट सेंसर, जिसे आप स्मार्ट की से ओपन करते हैं इसका डोर, और यहाँ पे आपको दिया की का इंसर्ट। क्रोम लाइनिंग जाती है ए से सी पिलर तक, जहाँ पे वो सी पिलर पे आपको कुछ कवरिंग मिलती है, और सी पिलर में आपको मैट ब्लैक फिनिश में मिल जाएगा। पिछले टायर की अगर बात करते हैं, तो यहाँ पे भी आपको कोई डिस्क ब्रेक नहीं ऑफर करी जाती है, पर आप अगर आप टर्बो वेरिएंट लेते हैं, तो यहाँ पे आपको डिस्क ब्रेक ज़रूर मिल जाएगी। अब चेक कर लेते हैं आपको रियर में आपको क्या क्या फीचर्स मिल जाएंगे। और ऐसी कुछ दिखती है इसकी रियर प्रोफाइल, जो काफ़ी बल्की और मस्कुलर प्रोवाइड की गई है, और इसकी रोड प्रेजेंस भी आपको काफ़ी अच्छी मिल जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये आपको मिलते हैं शानदार दिखने वाले इसके LED टेल लैम्प्स, जो काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। ये इसकी इंडिकेटर्स और रिवर्स पार्किंग लाइट, और यहाँ पे आपको मिल जाएगी इसकी SX की बैजिंग। बीच में आपको मिलती है इसकी ह्यूंडई की बैजिंग, और अगर चेक करते हैं लेफ्ट में, तो यहाँ पे आपको मिलती है वर्ना की बैजिंग। यहाँ पे बूट साइज चेक कर लेते हैं, तो कितना बड़ा बूट मिलता है। तो बूट के लिए आपको यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन दिया गया है, और उसी पर आप देखते हैं तो लाइसेंस प्लेट के लिए हैलोजन और रिवर्स पार्किंग कैमरा। बूट कैपेसिटी की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको शानदार 480 लीटर्स की बूट स्पेस मिल जाती है, जो काफ़ी एक अच्छी बूट स्पेस है। और लोडिंग लिप आपको काफ़ी हाई मिलता है। स्पेयर टायर आपको मिलता है 15 इंचिस का एक स्टील व्हील, जहाँ पे यहाँ पे ह्यूंडई ने कॉस्ट कटिंग की है। सीट्स आप 60-40 स्प्लिट नहीं कर सकते, और यहाँ पे आपको मिलता है इसका बूट लैम्प। बूट को हम बंद कर लेते हैं, तो यहाँ से हम बंद करते हैं इसका बूट। रिवर्स पार्किंग सेंसर्स की अगर बात की जाए, तो यहाँ पे हमें मिलते हैं 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर। यहाँ पे इसके मिलते हैं रिफ्लेक्टर्स क्रोम फिनिश में, स्किड प्लेट आपको मिलती है ब्लैक में। यहाँ पे आपको मिलते हैं फेक एयर डैम, इसमें से कोई आपको एयर पास नहीं होती है, और यही आपको दिखते हैं इसके LED टेल लैम्प्स, जो काफ़ी काफ़ी अच्छे दिखते हैं इस कार के लिए। यहाँ पे आपको ग्लास पे मिलता है इसका हाई माउंट स्टॉप लैम्प, डिफॉगर्स आपको मिलते हैं, और ऊपर इसका शार्क फिन एंटीना। यहाँ से हम भरते हैं इसका फ्यूल, और इसे ओपन करने के लिए आपको आगे से ही ओपन करना पड़ता है। I20 जैसे यहाँ से आप ओपन नहीं कर सकते।
और इसमें भरता है आपको 45 लीटर्स तक का फ्यूल। सेफ्टी की अगर बात की जाए तो इसमें आपको मिलते हैं ABS प्लस EBD, आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट्स, सीट बेल्ट वार्निंग, और इसमें आपको मिलते हैं सिर्फ 2 एयरबैग्स। अगर आप इसके टॉप मॉडल SX ऑप्शनल में जाते हैं तो वहाँ पे आपको मिलते हैं 6 एयरबैग्स। और रियर आपको एक्सपीरियंस आपको वरना में कैसा मिलता है, स्पेस कैसी आप चेक कर लेते हैं, तो डोर पे आप देखते हैं तो आपको यहाँ पे ड्यूअल टोन कॉम्बिनेशन में ब्लैक एंड बेज का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। जहाँ पे आप देखते हैं तो ऊपर आपको मिलते हैं इसके क्रोम के डोर हैंडल्स, नीचे आपको मिलता है इसकी पावर विंडो का स्विच, स्पीकर की प्लेसमेंट आपको नीचे मिल जाएगी, और 1 लीटर तक की आप बॉटल उसमें प्लेस कर सकते हैं। सीट्स की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे हमें मिलते हैं फैब्रिक की सीट्स, और ये है इसके स्टक हेडरेस्ट। आपको एडजस्टेबल का ऑप्शन इस वेरिएंट में आपको नहीं मिलता। बैठ के देखते हैं और कैबिन में आपको कैसी स्पेस मिलती है वो चेक कर लेते हैं। तो स्पेस भी आपको काफ़ी डिसेंट मिलती है, नीरूम भी अच्छा है, और यहाँ पे आपको मिलते हैं इसके डोर पॉकेट्स। हैंडरेस्ट में आपको मिलते हैं इंटीग्रेटेड 2 कप होल्डर्स। और अमेनिटीज़ की बात की जाए तो बीच में आपको मिल जाएगा इसके AC वेंट्स, और उसी के नीचे आपको मिलता है इसका USB का चार्जिंग पोर्ट, जो एक काफ़ी यूजफुल फीचर आपको मिल जाएगा। ऊपर आपको देख सकते हैं तो यहाँ पे आपको मिलते हैं ग्रैब हैंडल्स, और पीछे के लिए आपको सेफ्टी के तौर पे वहाँ पे आपको हेडरेस्ट के पीछे आपको मिल जाएंगे इसके 2 चाइल्ड लॉक के सेफ्टी एंकर्स, आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट्स। और कंफर्ट बढ़ाने के लिए यहाँ पे आपको दिया गया इसका रियर सनशेड, जो आपको कैबिन कूल रखने के लिए आपको बहुत काम आ जाएगा। फ्रंट आपको कुछ ऐसा मिलता है, काफ़ी नीट एंड क्लीन आपको इसका कैबिन मिल जाएगा। तो बात करते हैं आपको फ्रंट में क्या फीचर्स मिलते हैं। तो आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर मिलता है जिससे आप डोर अनलॉक करते हैं। और इंटीरियर की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे हमें मिलता है ड्यूअल टोन में इंटीरियर, ब्लैक एंड बीच। अगर आप इसका टर्बो पेट्रोल का वेरिएंट लेते हैं तो उसमें आपको फुल ब्लैक इंटीरियर्स मिलते हैं रेड इंसर्ट के साथ। डोर के कंट्रोल्स की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें यूजुअल पावर विंडो की स्विच मिलती है, जिससे एक विंडो ऑटो अप डाउन मिलती है। ORVM से रिलेटेड कंट्रोल्स, और यहाँ से आप फोल्ड अनफोल्ड कर सकते हैं इसके मिरर कुछ इस तरह एक बटन से। नीचे आपको मिलती है इसकी स्पीकर की प्लेसमेंट, जिसमें आपको 4 स्पीकर और 2 ट्वीटर का सिस्टम मिल जाएगा। और नीचे आप इसके देखते हैं तो इसकी हाइट एडजस्टमेंट के लिए आपको लीवर मिल जाएगा, और इसे आप रिक्लाइन भी कर सकते हैं। इधर से आप ओपन करते हैं इसका फ्यूल लिड और बूट, आपको ऑटोमेटिक के 2 पेडल्स। यहाँ से ओपन करते हैं इसका हुड, बैठ के देखते हैं और चेक करते हैं आपको फीचर्स क्या मिलते हैं SX CVT में। तो यहाँ पे आपको मिलते हैं इसके हेडलैम्प लेवरिंग स्विच, कुछ इस प्रकार है इसके AC वेंट्स, और काफ़ी फीचर लोडेड आपको सेकेंड टॉप मॉडल मिलता है। और SX ऑप्शनल से ज़्यादा ये वैल्यू फॉर मनी आपको मिलता है ये वेरियंट जो SX है सेकेंड टॉप मॉडल। तो इस कार को स्टार्ट करने के लिए आपको लेफ्ट में इसका वो स्टार्ट स्टॉप बटन दिया गया है, जिससे आप एक बार दबाते हैं तो स्क्रीन चालू, और 2 बार दबाएंगे तो आपको बीच में इसका MID ग्लो होता है। इस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करती है तो यहाँ पे आपको मिलते हैं काफ़ी फ्यूचरिस्टिक लुक मिलता है। लेफ्ट में आपको स्पीडो और राइट में आपको डिजिटल फॉर्म में टैकोमीटर मिल जाएगा। बीच में आपको मिलती है इसकी मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले, जिसे आप इस बटन से चेंज कर सकते हैं, तो काफ़ी वेरियस इन्फॉर्मेशन आपको बताता है ये। राइट साइड पर हमें इस वेरियंट में आपको क्रूज कंट्रोल भी ऑफर किया जाता है। लेफ्ट से आप चेंज कर सकते हैं इसके मोड, इसके इन्फोटेनमेंट डिस्प्ले के, और कुछ ऐसा आपको स्टीयरिंग व्हील मिलता है, कोई डी कट आपको नहीं मिलेगा, पर ये लेदर रैप और काफ़ी प्रीमियम आपको ये स्टीयरिंग व्हील मिलता है। यहाँ पे इसका ह्यूंडई का लोगो। लेफ्ट में है इसके वाइपर के कंट्रोल्स, राइट में आपको मिलते हैं इसके ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, और अगर आप यहाँ से चेंज करते हैं तो वो आपकी MID में भी दिखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके हेलोजन हेडलैम्प्स। तो ऊपर आप देखते हैं तो सनवाइजर में आपको एक वैनिटी मिरर ड्राइवर साइड पे भी दिया गया है विद अ कवर। बीच में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा इसका एक सनग्लास होल्डर। कैबिन लाइट्स आपको मिल जाएगी, और वो आपको मिलती है हैलोजन बेस्ड में, और यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं इसकी सनरूफ। तो इतनी कुछ आपको यहाँ पे ओपन मिलती है इसकी सनरूफ, पैनोरामिक का नहीं ऑप्शन मिलता है, और यहाँ पे आपको मिलती है इसकी एंटी पिंच की सेफ्टी। बीच में आपको मिलता है इसका नॉर्मल IRVM, ये इलेक्ट्रोक्रोमिक मिरर आपको मिल जाएगा। बीच में आपको देखते हैं तो यहाँ पे है इसका 8 इंच का टच स्क्रीन, जो एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले दोनों सपोर्ट करता है, पर इसमें आपको कनेक्टेड कारटेक नहीं मिलता, जो आपको टॉप मॉडल SX ऑप्शनल में मिल जाएगा। DRVM का भी आपको फीचर मिलता है, रियर कैमरा की फीड ये दिखाता है, और काफ़ी फ्लूइड टू यूज़ है।
नीचे आपको बटन्स मिल जाएंगे इसकी कंट्रोल करने के लिए। वॉल्यूम नॉब आपको दिया गया है और लेफ्ट से आप इसकी रेडियो स्टेशंस बदल सकते हैं और यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं इसकी मीडिया को। नीचे आपको दिया गया है इसका ऑटोमेटिक क्लाइमेट जोन, फ्रंट डिफॉगर्स और ये डिफॉगर्स का बटन, और ये हैजार्ड लाइट का स्विच, वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन अब भी आपको टॉप मॉडल में मिल जाएगा। यहाँ पे आपको एक यूजफुल फीचर जो है वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट मिलता है, जो एक काफ़ी प्रीमियम टच है। बीच में आपको मिलती है यूएसबी पोर्ट और लेफ्ट में आपको मिल जाएगा इसका 12V का चार्जिंग सॉकेट। यहाँ पे आप देखते हैं तो यह इसका सीवीटी ट्रांसमिशन, जिसे ह्यूंडई आईबीटी बोलता है, जिसमें आपको पार्क रिवर्स न्यूट्रल और यह आप मैनुअल मोड में भी ऑपरेट कर सकते हैं। लेदर रैप आपको मिल जाएगा ये, जो इसे काफ़ी प्रीमियम टच भी देता है। बीच में आपको मिलते हैं दो कप होल्डर्स और ये इसकी मैनुअल हैंड ब्रेक, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक आपको नहीं मिलती। हैंड रेस्ट आप देखते हैं तो काफ़ी अच्छी स्पेस प्रोवाइड करता है और ये स्लाइडिंग वाला आर्म रेस्ट भी आपको मिल जाता है। लेफ्ट साइड की अगर सनवाइजर की बात की जाए तो उधर भी आपको मिरर प्रोवाइड किया गया है, पर उस पर कोई कवरिंग या लाइट आपको नहीं मिलती। यहाँ पे इसके ग्रैब हैंडल्स, एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको मिल जाएंगे, यहाँ पे इसकी हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट्स और सेकेंड एयरबैग आपको यहाँ पे मिलता है, और टॉप मॉडल में आपको मिलते हैं 6 एयरबैग्स। और यहाँ पे ग्लव बॉक्स की बात की जाए तो यहाँ पे आपको कूलिंग के साथ ग्लव बॉक्स मिलता है, कोई इल्यूमिनेशन आपको इस वेरिएंट में आपको ग्लव बॉक्स में नहीं मिलता। काफ़ी अच्छी साइज का ग्लव बॉक्स मिल जाएगा। अगर बात करते हैं इसके फीचर्स की तो फीचर्स भी आपको काफ़ी अच्छे मिल जाएंगे, पर अगर आपको और फीचर्स की ज़रूरत है जैसे वेंटिलेटेड सीट्स, डायमंड कट एलॉय व्हील्स और कनेक्टेड कार्टेक, तो आप इसके ऊपर वेरिएंट SX ऑप्शनल में जा सकते हैं, पर इस वेरिएंट में आपको काफ़ी ज़रूरत की सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अगर इंजन स्पेक्स की बात करते हैं तो ये पर्टिकुलर वेरिएंट है 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन का, जो निकालता है 115 PS की पावर, और ये आता है आपको CVT ट्रांसमिशन और मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। डीजल ऑप्शन भी आपको प्रोवाइड की करता है ह्यूंडई, और उसके साथ भी आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिल जाएगा। और इसकी टॉर्क आउटपुट की बात की जाए तो वो आपको मिलता है 144 Nm का टॉर्क। माइलेज आपको CVT ट्रांसमिशन में 17.7 KMPL की माइलेज आपको क्लेम माइलेज मिलती है। ऊपर आपको इसके रिफाइंड पेट्रोल के साथ इंजन के साथ आपको इंसुलेशन भी प्रोवाइड करता है ह्यूंडई। और अब बात करते हैं इसकी प्राइसिंग की, तो इस वेरिएंट की आपको एक्स शोरूम प्राइस मुंबई में पड़ती है 12,20,000 की। अगर बात करते हैं इसी की ऑन रोड प्राइस की तो आपको वो पड़ती है 14,40,000 की। तो ये एक काफ़ी वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है, जो आपको अगर आप पेट्रोल ऑटोमेटिक का वेरिएंट देख रहे हैं तो यही वेरिएंट इसका वैल्यू फॉर मनी लगता है, तो काफ़ी अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करता है और काफ़ी फीचर्स भी प्रोवाइड करता है। तो यही थे इसके फीचर्स और कंप्लीट वॉक अराउंड जो आपको इसमें मिलते हैं, जो SX IVT इसका वर्जन है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।